कहना चाहेंगे वैलेंटाइन सीजन में क्या किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी वैलेंटाइन स्पेशल करने के लिए? देखिए वो सरप्राइज़ की बात है, बट वैलेंटाइन पे आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना होता है और आपको उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो उसकी छोटी छोटी खुशियां हैं, उसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। तो मियाँ को मेरे लिए जो भी सरप्राइजेज होगा वो एक इनके फेवरेट कलर से रिलेटेड होगा, बाकी चीज़ें मियाँ को 14 तारीख को मालूम चलेंगी। द सेम थिंग गोज फ्रॉम माई साइड, आई हैव प्लान्ड आउट रियली नाइस सरप्राइज फॉर माई बेबी। सरप्राइज तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट देन यस शायद जैसे इन्होंने मुझे प्लान करा उसे बिल्कुल हटके है। सो लेट्स सी, आई होप सो माय गाय विल नॉट लाइक इट। काफ़ी ऐसा होता है कि लड़कियों को खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी काफ़ी पसंद होती है, काफ़ी चॉइसेस होते हैं, तो आपने क्या 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 सोचा कि इनको खुश किया जाए, क्या किस तरीके से चलता है? देखिए आपने बिल्कुल सही बात करी कि लड़कियों को खुश करना थोड़ा बड़ा नामुमकिन टाइप हो जाता है, बिकॉज शायद हमें मालूम है कि काला सफ़ेद नीला पीला होता है, इनके लिए काले में भी ज़्यादा काला कम काला, थोड़ा कम काला उससे थोड़ा काला, तो बादलों वाला काला, तो नीला ऐसा नीला वैसा नीला, सो हम उस मामले में थोड़ा अटक के रह जाते हैं। तो शायद ये हमें जो सामान लाने को बोले हम कुछ वो दूसरे तरीके से लेके चले आते हैं, बट फिर भी आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। ऐसे कोई हार्ट के नहीं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत से एक्सपीरियंस करवा रखा है या फिर ऐसे सरप्राइजेस ऑलरेडी दे रखे हैं। बट एक मेरी फैंटेसी है पैराशूट बना के मुझे इनके साथ लंच या डिनर करना है। आई होप सो दैट माय गाय विल गेट इट डन वेरी सून। सो वो बलून आपका जा रहा होता है और आपके उसमें एक टेबल लगी होती है, प्रॉपर शैंपेन की चिल्ड बॉटल होती है, लंच करना होता है, तो शायद इनके लिए वेस्ट जाएगी क्योंकि ये शराब पीती नहीं है, तो हम शायद जूस की बॉटल ले जाके, पानी की बॉटल ले जाके फिर आसमान में लंच खाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। आसमान से नीचे तो देखूंगी और फिर मुझे ऐसा नहीं लगे कि इनको इनका हाथ पकड़ के बताना पड़े कि अब तुम्हें अगर ऊंचाई से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम नीचे उतर जाएंगे। नो बेबी, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, डोंट वरी। आप दोनों का मिले कैसे हुआ, कब मिले, कैसे मिले, कुछ उसके बारे में बताइए। हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में मिले थे, बाकी उसी दौरान मैं भी अपना स्पिरिचुअला करके निकली थी, तो ऑलरेडी ये बिग बॉस से निकले हुए, तो हम दोनों के जो इंटरेस्ट है बहुत कॉमन थे। उसके अलावा फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोग रियलिटी शो में ही ना इंसान की परसेप्शन या इमेज बना लेते हैं, सो मेरा नेगेटिव वो था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों वही बैठ कर डिस्कस करते हैं यार लोगों को लगता है कि मियाँ ने ऐसे लड़ाई झगड़ा करी या ये फेंका तो ये असली में भी ऐसी होगी, या विवेक मिश्रा बिग बॉस में बहुत वीक थे ये करते हुए तो ये असली में बहुत ऐसे होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इज अ रियली टफ पर्सन एंड सेम थिंग गोज फॉर मी, मैं बिल्कुल लड़ाकू नहीं हूँ असली रियल लाइफ में, बट लोगों ने भाई ना रियलिटी शोज देख देख कर तो यही सब चीज़ें बातचीत करते हैं कि फिर रियलाइज हमारे पीछे बहुत सी चीज़ें जो हम लोग की बहुत मिलती जुलती है, वी आर वेरी कम्फर्टेबल विद ईच अदर। बिल्कुल, कई बार जैसे 13 लोगों के साथ एक एक टॉयलेट में यू नो शेयर करना, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण खाने की वैल्यू पता चल जाती है जब आप अंदर जाते हो, वहाँ पे बिल्कुल राशन नहीं होता है, एक एक ब्रेड के लिए एक एक चीज़ों के लिए लड़ाई करते हो, आपको सारे काम अपने आप से करने होते हैं, कभी पोछा मिलता है, कभी बर्तन मिलता है, कभी आपको टॉयलेट साफ़ करना होता है जो कि आपने घर में कभी नहीं करा होता, तो आप चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो जाते हो। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब बचपन में आपकी मम्मी बोलती थी ना बेटा चल ये काम कर ले, तो उस समय आपको नखरे नहीं करने चाहिए थे और अपने छोटे भाइयों के साथ थोड़ा आपको भी लग के उनकी मदद करानी चाहिए थी। एक रियलिटी शो मुझे याद आ रहा है, डे टू डे जिंदगी, मैंने कभी ना गोबर को ना दूर से देखा, ऐसे ऐसे दूर हो गई थी, लेकिन मुझे उसमें लिटरली मुझे वो क्या बोलते हैं बड़ी बार बेबी कंडे कंडे वो मुझे बनाने पड़े थे, फिर मैंने किया ना, मतलब मुझे नहीं करना, फिर आंटी ने समझाया कि नहीं करना होता है। और स्प्लिट्स विला में जिंदगी में अपने घर में अपने कपड़े नहीं धोती, वहाँ पर मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। हाँ, मियाँ से कपड़े नहीं धुल सकते हैं, मियाँ से लॉन्ड्री बिल्कुल नहीं हो सकती है, मियाँ उल्टे हो सकता है कुछ दिनों में कपड़े मुझे थमा दे कि प्लीज गेट इट ड्राई क्लीन। दोबारा अगर हम कुछ वैलेंटाइन स्पेशल की बात करें तो आप
यस माई गाय इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मटन एंड ऑल्सो बींग क्रिश्चियन मुझे चिकन और फिश का थोड़ा एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस कर रहा है बदर मैंने अभी तक मटन बनाया नहीं है सो आई वुड वॉन्ट टू कुक मटन फॉर माई गाय एंड मैं देखूँगी उनको पसंद आता नहीं आता बाकी हम लोग को चिकन बहुत पसंद है देखिए वो अगर एक रोमांटिक शाम में किसी को प्रपोज़ करना हो तो मेरा वो आइडिया नहीं होता है प्रपोज़ करना हर इंसान को अगर आप किसी को चाहते हैं तो उसको हर हफ्ते या हर दिन उन सारी बातों की और उनकी अच्छाइयों को याद दिलाया करें सो मेरा अंदाज़ा ही कि दिन में कम से कम इनको एक बार इनको यकीन दिलाऊं और इनको ये बोलूं कि मैं इनको कितना चाहता हूं और इनको कितना प्यार करता हूं और फिर बाकी हमारी ज़िंदगी है भाई हमारे करियर की शुरुआत है हम दोनों को एक दूसरे का साथ है तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही आगे एक साथ जाएंगे He is super cute. मैंने super duper cute बोले मेरा boyfriend है कि 10 लड़के खड़े हैं तभी मैं तारीफ कर रही हूँ तो my guy is the best because he knows how to carry himself, he knows how to talk in public. ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा respect देते हैं आज के date में क्या है क्या सब कुछ होता है but then how to talk and whether the person like gives respect to women ये बहुत बड़ा question mark बन जाता है तो ये इनमें already कूट कूट के भरा हुआ है जो कि आजकल किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद I'm so sorry. इसको इम्प्रेस करने के लिए बस नहीं ला सकते ये इनमें इनबॉर्न है टैलेंट ये इनबॉर्न मेरी क्वालिटी है मतलब सो इस टैलेंट को लाने के लिए कहीं से कुछ टिप्स नहीं बिल्कुल नहीं आई थिंक एक तरीके से आपके नेचर होता है आपकी अपब्रिंगिंग होती है और एक पारिवारिक माहौल होता है और हमारे यहाँ शुरू से ही कहा गया था कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो आई थिंक एक आपका व्यक्तिगत स्वभाव होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज जो छोटे और बड़े ना हर किसी आप करके जहाँ पे आप ही रह जाते हैं वहीं पे पता चल जाता है कि यार लड़का या लड़की किस बैकग्राउंड से आ रहा है और दूसरी चीज़ ये ना सोशल बाजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती बाय गॉड ग्रेस ही इज ब्लेस्ड विद एवरीथिंग बट ही डजंट वांट कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे सी मियाँ के अंदर बड़ा बचपना सा स्वभाव है और मैं हमेशा मियाँ को किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ मैं इनको चीज़ें समझा देता हूँ कि अगर तुम ये करने जा रही हो तो इसके दो नतीजे हो सकते हैं या तो अच्छा या तो बुरा लेकिन तुम रुको मत तुम जाओ तुम जब तक पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगे तुम्हें चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगेगा नेगेटिव पॉइंट जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत जल्दी फेथली बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और रही दूसरी चीज़ ही इज़ वेरी सपोर्टिव सो मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं गिले शुक्र इन फैक्ट ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी चाहे मेरे अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे चाहे करियर वाइज हो या फाइनेंशियली इमोशनल किसी भी समय इज़ ऑलवेज देयर सो आई डोंट नीड एनी पर्सन ये एक बेस्ट फ्रेंड भी है ये एक फैमिली मेम्बर भी है ये बेरा बिहार भी एक बॉयफ्रेंड भी इज़ ए कम्प्लीट पैकेज फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी विद दैट बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने और मियाँ को भी शायद अगर हमें कहीं बाहर जाना हो शाम के 6 बजे तो मुझे इनको दोपहर 2 बजे का या 1 बजे का टाइम देना पड़ेगा जिससे ये कम से कम शाम 6 बजे तक तैयार हो जाए क्योंकि इनका ये होता है 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट वो 10 मिनट 2 घंटे 3 घंटे कब हो जाते हैं मालूम नहीं चलता फिर वो सारा ब्लेम ट्रैफिक पे जाता है ये लड़कियों का हक है टू गेट रेडी टाइम लेकर अब वो रेडी भी किन के लिए होती है इन्हों के लिए होती है तो आप वैलेंटाइन डे के दिन किस तरह से तैयार कर रहे हैं क्या कपड़े पहनने वाले कुछ डिजाइनर्स Well, she is a designer, Shani. She's gonna design something really good outfit for both of us. Something in red, मैंने उनको बोला red या white combo में बनाया बाकी लेट्स सी ड्रेस कैसे बन के आता है बाकी यू गाइस विल गोना सी द पिक्चर्स वी विल गोना फ्लर इट गिफ्ट्स क्या देने वाले हैं विवेक आप वो बहुत पर्सनल हो गया और अभी कैमरे के सामने सरप्राइज है तो बताना नहीं चाहूँगा लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उन मियाँ को उन चीज़ों का सरप्राइज मिलेगा जो इनके चुनिंदा कुछ पसंदीदा कलर्स हैं थैंक यू कौशल भाई पीछे का लाइट कैसे आ रहा है